सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। पुराण जमने बात जब गौम लोग खेती बाड़ी करी की अपन गुजर बसर कदा छाई, इन्नी एक गौ छाई जैमा एक बुढ़ड़ी और वहीं कु नौन रेंद छाई। बुढ़ड़ी तीन बड़ी नौनी भी छे जू कु ब्यो हो गए छे और वहीं कु घर वालू गुजर गए छे। नौन लाटुस छाय यान वे कु कखी ब्यो नहीं होनु छाय, पर वो खूब खेती बाड़ी कदु छाई और अपनी बोए को खूब देखभाल भी कदु छाय। ये नौनक नौ छाई दुबली गाँव का वार द्वार कुछ स्यारा छाई और बाकी फांगा गदन कपार दूर छाय। गाँव वाला बस गाल का टाइम पर उख गोट लगाउंदा छाय। गाँव का बैक ए टाइम पर उख जाए की खेती बाड़ी कदा छाय। अब जेठ तक तो गाँव लोन अपना स्यारा से दिन, पर अब सौण का मैं नून अपनी गोट लगाउन को जान छाय। गोट क्या हुंद यहाँ का बारम हमने पहले एक वीडियो बनाए छे जय को लिंक इख मिल जाल। तो ये गांव का लोग भी दिन बार कहे की और अपना गोर बछुर थे लेके अपनी अपनी गोट में चल गेन। गाँव मा बिठुले बिठुला रह गेन। दुबली भी अपना गोर बछुरू और भैंसी थे लेक अपनी गोट में चल गए। जन सब बुनकाए उन वेन भी गोट का एक किनार पर अपन खटुला लगाई और चुल्लू बने की अपना खान पीने की प्रबंध कर दे। वे थे ही अपनी बुए की फिकर भी होनी रहन छे, यान वो अपनी बुए की खबर सार लेने को चार पांच दिन हम गाँव में आ जान छाए। गाँव का लोग गोटम रह की खेती बाड़ी भी कदा छाई और खूब खांदा पींदा भी छाए। सब भी खे की मुआटा ताजा बनना छाए, पर वे दुबली पर तो जथो नाम तथो गुण लाग होनु छे। मतलब उसकुणु राय वे की बे थे भी फिकर हुन बैठ गए कि वहीं कु नौन थे क्या हुए गे जो सुकणु पकड़ू छ। यो जमन छाई जब मोट हुन को मतलब तंदुरुस्त छाए। गाँव का लोग वे थे चिरणांद छाए, पर कैन इन पता कने जतन नि कही कि दुबली असल में इन माड़ो कनिके बन गए। पर बोई तो बोई हुंद दुबली जब एक बार गोट बिटी दिन मनिकू घर आई तो वे की बोल पूछ दे, ये दुबली तु थे कोई परेशान गोट में जो तू सिन सुकी गे। दुबलिन जो बात बोल वहां सुनी की तो एक बोए भी कौपन बैठ गए। वेन बोल बोई तुम क्या बन एक मसान रात पुड़दे मेर गोट में ऐ जांद और जन्म में कद उन्नी कनू रेंद। वो मी थे कुछ नुकसान नहीं पहुंचांद और मी थे वे देख के डैर भी नहीं लगी थी, पर वे मसानन मी खुनी जकावल जो मी पर कुछ खयू पियू नहीं लगनो च। वे की बोए सोचन बैठ गए तो वही कुछ देर में बोल तू डैर ना, पर जन्म में बुलुल तू उन्नी कैरी। दुबलिन बोल ठीक छ, अब वे की बुएन वे थे मसान भगौन की कल बताए दे। दुबली रात पड़न से पहली अपन गोट में पहुंच गए। वे का पहुंच दे मसान भी उखमे गए। अब वो रोटी बनाणु राई तो मसान भी उन्नी कनु राय। दुबलिन रोटी खेन तो मसान भी दुई रोटी निकाल के खान बैठ गए। खा पे की दुबलिन अपना कपड़ा लत्ता निकल दिन और अपना सरेल पर तेल लगाउन बैठ गए। मसानन भी उन्नी काई वे थे कि तेल चढ़णु छाए तो दुबलिन वे ज नहीं ली से कटर खिसके दे जो वे की बुएन वे थे दी छे। कुले कु लीसु चप चुपु इन्हें दुबली अब पर तेल मलणु राई और उन्हें मसान लीसु। अब दुबली अब थे रुअन पचन बैठ गए तो मसानन भी उन्नी कैरी वे फर रुआ चिपक गए। अब दुबली ना छिल्लू निकाल और अपना सरेल थे ही दिखण बैठ गए। मसानन भी वे की नकल कहरी रुअन आग पकड़ दे मसान पर आग लगी गे। वो जोर से चिल्लान चिल्लान भैर भाग वो चिल्लाणु छाए
दुबलिन मी फूक्याल, दुबलिन मी फूक्याल, इन बुद बुदवेन भेलुन फाल मार दे। जोर की आवाज हुए और मसान भेलुन चल गए। एक बाद मसान दुबली का समण कब भी नहीं है और दुबली फिर से मुआटू ताज बढ़न बैठ गए। मसान एक बात जब बिके कसमिन जान छाई तो लोग बुद अचाई बुलाओ दुबली थे। बस इतगा सुन दे मसान भागी जान छाए। तो कहानी आज एक इत गए। आज हम तुम तई दुई गडोली शब्द और दुई पखाना भी सुनोला। हौस जनदा छो, हौस को मतलब क्या हूं? हौस को मतलब हूं उत्साह। जो एक हम हा का बदल रा हो जेली तो क्या बन जांद? रौस। और रौस को मतलब क्या हूंद? आनंद। अब बात कर दो हाँ गडवाली पखाने की। बल जक स्यून नहीं अकड़ दी वक सबूल अकड़। इसका शब्दार्थ है जहां सुई नहीं जा सकती वहां सबल घुसाने की कोशिश करना। और भावार्थ है संभावना नहीं होने के बावजूद जबरदस्ती करना। कुमाऊनी कहावत ख्वार का बाट सुराव खोलन। इसका शब्दार्थ है सिर के रास्ते पायजामा खोलना। और भावार्थ है अति कठिन काम करना। तो आज खुणी इत गए। नमस्कार।